मैहर में बढ़े हुए बिजली के बिल से आम जन परेशान हो चुका है। बिजली की समस्या को लेकर युवा कांग्रेस ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग द्वारा मनमाने बिल दिए जाने का विरोध किया है और उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जाने के विरोध में ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने एक हफ्ते में बढ़े हुए बिजली के बिल की फिर से जांच करने की बात कही है। बिजली बिल अगस्त महीने तक के माफ करने की बात पर विभाग ने कहा कि अब तक उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है जिसमें बिजली बिल माफ करने की बात कही गई हो। उन्होंने कहा, अगर बिजली बिल नहीं भरा जाएगा तो कनेक्शन काट दिया जाएगा, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बिजली विभाग के अधिकारियों से बहस हो गई। डी साहब द्वारा एमपीवी पूरे समस्त एमपीवी द्वारा पूरे मैयर क्षेत्र मैयर शहर ही नहीं पूरे विधानसभा स्तर में जिस तरह की मनमानी जबरन जबरदस्ती करके हर उपभोक्ता के घर में जाके बिजली कनेक्शन गुंडई की तरफ से काटते हैं, उनके गुर्गे जाते हैं और बोलते हैं कि अगर बिल नहीं जमा करोगे जबरदस्ती। मेरे हाथ में प्रमाण है, किसी का 15,000, किसी का 18,000, किसी का 20,000 का बिल आया। आप बताइए, इस कोरोना की स्थिति में लोग एक टाइम का खाने का जुटा नहीं पा रहे और वहाँ 15,000 रुपये बिल दें, जहाँ एक तरफ सरकार हर किस्त में छूट दी है कि 3 महीने 4 महीने कोई किस्त नहीं लगेगी, उसके बाद जो भी जैसी व्यवस्था बनेगी परिस्थिति में अपना जमा करो। उसमें आज एमपीपी द्वारा डी साहब के अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती, कल देवी जी का एक मैटर था तो हम लोगों ने गए और जबरदस्ती उनकी लाइट काट रहे थे तो वहाँ से उनको भगाया गया कि भाई पहले जाँच करो उसके बाद लाइट। आज हमारी ज्ञापन दिए हैं यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष लेटर पैड में रविंद्र शर्मा छोटी भैया के, डी साहब से मांग है हमारी, स्पष्ट है शिवराज सिंह का काम है झूठ बोलो देश से बोलो बार बार बोलो, ये लालीपाप दे रहे हैं। सामने आपके उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर ये लालीपाप दिए। आज हमने ये एक निकाले हैं अपना कि घरेलू उपभोक्ताओं को अगस्त तक का बिल जमा करने में छूट, ये सब हमारे डी साहब से बात किए। डी साहब बोले ऐसा कोई नियम कानून नहीं आया है अभी, और अगर आदेश कोई आता है माफ़ करने का तो हम बताएंगे। ये जबरदस्ती झूठ लालीपाप दे रहे हैं। शिवराज जी का चेहरा उजागर हो चुका है, जनता के सामने आ चुका है, पूरी जनता उपचुनाव में इनको इनकी हैसियत दिखा दे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।